Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ये तो सभी जानते हैं कि विनोद खन्ना साहब सन्यासी हो गए थे, लेकिन उन्हें रजनीश के द्वार पर लेकर कौन गया था? जी वो कोई और नहीं, वो रहे महेश भट्ट। या महेश भट्ट साहब दरअसल रजनीश साहब के फॉलोअर थे और विनोद खन्ना साहब के गहरे दोस्त भी। विनोद खन्ना साहब की माताजी का देहांत हुआ और एक करीबी रिश्तेदार की मौत भी हुई, जिसकी वजह से विनोद खन्ना साहब बहुत ही डिस्टर्ब थे। धीरे धीरे उन्होंने ओशो की टेप्स सुनना शुरू किया और फिर अपने दोस्त महेश भट्ट से कहा कि मुझे भी वहीं ले चलो। और इस तरह से ये दोनों मुंबई से पुणे जाते, ओशो आश्रम का हिस्सा बनते, मेडिटेशन करते और बहुत सारी गहरी बातें करते। लेकिन अजब घटना घटी। महेश भट्ट साहब का मोह भंग हो गया भगवान रजनीश से, लेकिन विनोद खन्ना भगवान रजनीश के साथ अमेरिका तक गए, फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी, अपने परिवार को छोड़ दिया और पूर्णतः सन्यासी बन गए। तो मन में दुविधा तो विनोद खन्ना की थी, लेकिन ओशो के द्वार तक ये पहुंचे थे अपने दोस्त महेश भट्ट के साथ।